हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टडी में हम सीख रहे हैं जनरल इंग्लिश। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो टॉपिक सीख रहे हैं हम इस सब्जेक्ट का, वो रहेगा ग्रामर। और ग्रामर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पूछा जाता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, क्योंकि ये अलग से हमको पूछा जाता है, जहां पर 3 मार्क्स से लेकर 6 मार्क का पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में आप जिसको हम कंप्लीट समझने वाले, बेसिक भी समझेंगे, साथ साथ में प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक पूछे गए थे इसके रिलेटेड, वो भी हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये टॉपिक कंप्लीट समझ में आएगा। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते। वैसे तो आपके एग्जाम बेसिक लेवल का था, कोई हाई लेवल का आता नहीं है, इसे नॉर्मल से हम पहले बेसिक समझ लेते कि हर एक सेंटेंस का मतलब क्या होता है। उसका ना प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, टोटल जो हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस एक क्लासिफिकेशन की तरह से बताएगा, वो फंक्शन के बेस पर बताएगा, 5 टाइप है, ठीक है। तो 5ों को हल्का हल्का समझ लेते हैं, मैं आगे पीछे समझाऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब समझो प्रश्नार्थ, जहां पे क्या पूछा था, प्रश्न क्वेश्चन पूछा था। मतलब लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हिंट है, आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा, गारंटेड है। क्योंकि यहां पर इस टाइप के सेंटेंस में क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था, जिसका सामने से क्या रिप्लाई आए ऐसा होप होता है। जैसे कि देखिए, एक दो एग्जांपल लिखे, डू यू नो द पासवर्ड, क्या आप पासवर्ड जानते हैं। और याद रखिएगा, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क पहले आपको देख लेना है, और आगे जो रहेगा ना क्वेश्चन पूछने के लिए क्या क्या यूज होता है, जो आप लोग को नॉर्मल पता होगा, एक तो WH करके जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वॉट, वैन, सॉरी स्पेलिंग में लिखूंगा वेयर, ठीक है, फिर इसी तरह हाउ मच, हाउ मैनी, और क्रियावाचक जो हमारे क्रिया सहायक क्रियापद होती है, जैसे कि इज, आर, एम, फिर डू या डज, फिर हमारा वॉज या वर, ये सब भी आगे प्रश्नार्थ की तरह यूज किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, आगे आपको इस टाइप के WH वाले या जो सहायक क्रियापद वो आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन की तरह पूछा जाएगा, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। फिर से एक तो समझते, हाउ इज योर मदर्स हेल्थ टूडे, देखिए आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा, और हाउ करके प्रश्न पूछा गया कि आपकी माता की हेल्थ आज कैसी है। एक और, वाई आर यू सो लेट टूडे, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिख ही रहा है, और आगे WH करके क्वेश्चन पूछा गया है कि आज आप लेट क्यों। एक बार हो सके तो उसका हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको हिंट है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा, और आपको आगे इस तरह से WH या फिर ये जो सहायक क्रियापद होते हैं उसके थ्रू क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ इंट्रोगेटिव। उसके बाद कौन सा है इजी संबंध में, वो हमारा इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, जहां पर हम क्या कर रहे थे, इसको गुजराती में बोलते आज्ञा अर्थ, मतलब हम या तो सामने आज्ञा दे रहे होंगे कि हाँ भाई आपको ऐसा करना है, आदेश दे रहे होंगे, कमांड, या तो फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई ये काम आपको करना है, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस में हम कहीं पर रिक्वेस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं या तो कहीं पर आदेश दे रहे, ठीक है। जैसे समझते हैं, तो देखिएगा लिखा गया सिट डाउन, अब इसमें एक आपको हिंट मिलेगा, ऑलवेज आगे जो रहेगा सेंटेंस का स्टार्टिंग वो वर्ब रहता है, क्या रहता है, वर्ब आगे का स्टार्टिंग रहता है। वर्ब मतलब होता है क्रिया, जिसके थर्ड 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पास्ट होता है, ठीक है, जिसके 3 फॉर्म बनते हैं वो हमारा होता है वर्ब, और स्टार्टिंग वर्ब से ही होगा। इंपरेटिव सेंटेंस जहां पर हम या तो कुछ आदेश कर रहे या रिक्वेस्ट कर रहे, तो स्टार्टिंग में आपको वर्ब देखने को मिलेगा, ठीक है, 99% देखने को मिलेगा, जैसे कि डू दिस वर्क प्लीज, ठीक है, लास्ट में देखो यहाँ प्लीज, मतलब यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे कि आप ये काम कर लीजिए। गेट मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दीजिए, देखो गेट क्रिया से स्टार्ट हो रहा है, और जहां पर हम क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे या रिक्वेस्ट कर रहे। डोंट डिस्टर्ब मी, देखिए नेगेटिव टाइप से भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगेन फिर से देखिएगा, डोंट डिस्टर्ब मी मतलब मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगेन डोंट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में ज्यादा आवाज मत कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, आगे जो रहेगा वो आपको वर्ब से स्टार्टिंग होने वाला हो, जिसके अंदर आप कमांड आदेश दे रहे होंगे या कुछ रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, तो इंपरेटिव सेंटेंस वो बन जाएगा। आई होप ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। 2 सेंटेंस पहचान में आ चुका है, हम ये अभी प्रैक्टिस करेंगे ना, सेंटेंस आपके एग्जाम में तो नॉर्मल पूछे ही जाते हैं। अगला टॉपिक समझिए एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, जहां पर क्या कोई ना कोई फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर, जो सडनली हमको फीलिंग आती है अंदर से वो एक्सप्रेस करते हैं, वो फीलिंग कोई भी हो सकती है, सरप्राइज हो गए उसकी फीलिंग, हैप्पीनेस की, सैडनेस की,
कोई भी फीलिंग हो सकती है। और सेंटेंस का हिंट क्या है, आपको लास्ट में है ना सेंटेंस का हिंट में कहीं ना कहीं आपको एक्सक्लेमेटरी आपको साइन देखने को मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन उद्गार वाक्य चिन्ह देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ साथ में सेंटेंस में देखूंगा आपको फीलिंग देखने को मिली, उसके लिए अलग से वर्ड्स यूज किया गया हो तो जो हम फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं ना सडनली, वो जैसे कि हुर्रे वी वॉन द मैच, मतलब हम मैच जीत गए, तो साथ में हुर्रे का क्या किया एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड यूज किया। सो सैड के आगे ओ सो सैड, ठीक है, बहुत बुरी बात है। ग्रेट, देखिए ये अलग से सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, ग्रेट, और साथ में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन देखने को मिलेगा। व्हाट अ लवली डे, यार जैसे व्हाट लग रहा है, अच्छा नहीं क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ आप क्या कर रहे हैं फीलिंग बता रहे कि आज का दिन कितना अच्छा था, व्हाट अ लवली डे, लास्ट में आपको याद रखना उद्गार वाक्य चिन्ह एक बार देख लेना। तो इस तरह से आप इजीली एक्सक्लेमेटरी पहचान लेंगे, लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन देखने को मिलेगा और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीलिंग को शेयर करने के लिए आपको वर्ड भी देखने को मिलेंगे, और एक बार आप ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करने वाली फीलिंग देखने को मिलेगी, चाहे हैप्पीनेस की, सरप्राइज की या सैडनेस की मिलेगी, ठीक है। तीन पहचान में आ गए, अब चौथा समझिएगा यहाँ पर ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव भी देखा जाए ना तो एक तरह से ये एक्सक्लेमेटरी का ही होता है, इसमें आप सिर्फ क्या किस तरह की फीलिंग शेयर करते, विश, किसी की विश या प्रे कर रहे हो या ब्लेसिंग दे रहे हो किसी को, तो आपको ऑप्टेटिव समझना है, ठीक है, इच्छा वाला, जहां पे आप इच्छा पेश कर रहे हो, इच्छा बता रहे हो, मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आपकी भगवान आपको आशीर्वाद दे, ठीक है, तो यहाँ मे गॉड ब्लेस यू। इसी तरह आई विश यू गेट फर्स्ट क्लास इन योर फाइनल एग्जाम, मैं विश कर रहा हूँ कि आपकी एग्जाम में क्या फर्स्ट क्लास मार्क आए, तो यहाँ पर विश या ब्लेसिंग दिया जाता है, तो आपको ऑप्टेटिव समझना। लास्ट बच गया ना असेटी, मतलब समझ जाना जहां पर आपको इंट्रोगेटिव देखने को ना मिले, ठीक है, क्वेश्चन मार्क देखने को ना मिले, जहां आपको एक्सक्लेमेटरी साइन देखने को ना मिले, जहां पर इंपरेटिव मतलब क्या हुआ आगे, जहां पर वर्ब से स्टार्टिंग नहीं हो रहा या फिर जहां पर आदेश या कमांड नहीं दे रहे, तो बाकी सारे वाक्य जो होते हैं सारे सेंटेंस वो सादा वाक्य होता है, सिंपल वाक्य, जहां पर हम क्या कर रहे हैं फैक्ट बता रहे होते हैं, हकीकत या कोई ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, आइडिया बता रहे हैं, वो हमारा असर्टिव हो जाता है, जहां पर ये सब नहीं होगा वहां ये होगा, तो ये पहचाना इजी होगा, ठीक है। जैसे कि सिंपल वाक्य कि आई विजिट द लाइब्रेरी 3 times a week, यहां बताया जा रहा है कि मैं लाइब्रेरी को वीक में 3 बार विजिट करता हूं। आगे मोस्ट ऑफ करता सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होता है, लास्ट में हमारा फुल स्टॉप होता है। दिस इज माई न्यू सेलफोन, ये मेरा नया मोबाइल है, ठीक। ऑल ATM इन एरिया आर आउट ऑफ सर्विस, पूरे एरिया के जितने भी ATM है वो आउट ऑफ सर्विस है। जस्ट आप क्या करते हो वहाँ पे हकीकत जो हुई है, पेश की है, जो घटना हुई आप नॉर्मल वे में उसको सादी वाक्य में बताते हैं, तो हमारा असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको पहचाना कुछ ना कुछ हिंट मिल गया होगा। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करेंगे ना तो 100% बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक तरह से ही पूछे गए, ये हमने 2019 और 22 के लिए इंग्लिश गुजराती दोनों के लिए लिए, ठीक है। समझते फटाफट, देखिए राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना, क्वेश्चन है तो इंट्रोगेटिव हुआ नहीं, ना एक्सक्लेमेटरी तो वो हुआ नहीं, इंपरेटिव आगे हमारा वर्ब से स्टार्ट होने लगा, तो बाकी बचा कौन सा असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, डिक्लेरेटिव सादा वाक्य है, स्टार्टिंग करता करता से हो रहा है और हमारा एंडिंग में फुल स्टॉप है। क्रिकेट राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, इजी वर्ग फटाफट समझाऊंगा। वेयर डिड यू स्पेंड योर लास्ट समर वैकेशन, देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिला वहीं से पहचान गए कि किस टाइप का हमारा इंट्रोगेटिव हुआ, प्रश्नार्थ वाक्य हुआ कि नहीं हुआ, और आगे वेयर WH स्टार्ट होता, तो ये क्या हो गया प्रश्नार्थ हो गया। आगे बढ़े, चेंज द वॉइस, अब समझिएगा फुल स्टॉप जरूर है, ठीक है, देखो एक्सक्लेमेटरी नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब इंट्रोगेटिव नहीं हुआ, बाकी बचा क्या इंपरेटिव बचा, इंपरेटिव मतलब आगे देखो क्या दिया गया हमको, चेंज दिया गया, क्रिया दी गई है, ठीक है, जिसके 3 forms हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और बताया गया ऑर्डर दिया गया है, चेंज द वॉइस, वॉइस अपनी बदलो, चाहे वो धीमी करो तेज करो जो भी बोला होगा, चेंज द वॉइस, तो ये किस टाइप का है इंपरेटिव का है, किस टाइप का इंपरेटिव सेंटेंस है, पहचान गए होंगे। हाउ सैड, देखिए यहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेटरी यूज हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ फीलिंग बता रहे हाउ सैड, तो हमारा क्या हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट, वेयर यू एब्सेंट यस्टरडे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है और आगे WH मतलब वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो यहाँ पर वेयर एब्सेंट यू एब्सेंट यस्टरडे, क्या तुम कल एब्सेंट थे, तो हमारा क्या हो गया इंट्रोगेटिव हुआ। शॉर्टकट हिंट से आई होप पहचान पा रहे होंगे आप, हाउ ब्रेव इंडियन सोल्जर आर, लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन दिया गया है एक्सक्लेमेटरी, तो समझिए कि एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे फीलिंग बताया जाए, हाउ ये काम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हाउ से बताएगा, फीलिंग बताने के लिए यूज किया गया है कि इंडियन सोल्जर कितने ब्रेव बहादुर होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लीज देखिए रिक्वेस्ट की ब्रिंग मतलब यहाँ पे क्या शुरू हुआ, क्रिया से शुरू हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे ग्लास ऑफ वाटर पानी दीजिए, ठीक है, तो इंपरेटिव हुआ, क्या हुआ ये इंपरेटिव सेंटेंस हुआ कि नहीं, हमने यहाँ रिक्वेस्ट की है,
इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट करते हैं या आदेश करते हैं, ठीक है। सी इज नॉट टोल्ड, देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ना हमने आदेश दिया है ना हमने विश किया है, तो सादा वाक्य है कि नहीं, कर्ता से शुरू हुआ और हमारा फुल स्टॉप पे एंड हो, सिंपल सादा वाक्य, सी इज नॉट टोल्ड, ये टोल नहीं है। हाउ ब्यूटिफुल द बटरफ्लाई इज, देखिए साथ लास्ट में एक्सक्लेमेटरी दिया, समझ गए, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, और हमने यहाँ पे डब्ल्यू एस से क्वेश्चन नहीं पूछा है, हमने यहाँ पे फीलिंग बताई है कि बटरफ्लाई है ना वो कितनी सुंदर है। आगे व्होम डू यू वॉन्ट मीट, मीट के आगे देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो समझ गए ये किस टाइप का होगा, इंट्रोगेटिव, आप इस समझ पा रहे क्वेश्चन मार्क है इंट्रोगेटिव, आगे चेक कीजिए डब्ल्यू एस से क्वेश्चन भी पूछा गया, अगर आपको ट्रांसलेट आता है वो भी कर लीजिए, पूछा गया व्होम डू यू वॉन्ट मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो, ही इज अ ग्रेट हीरो, अब देखिए ना क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव नहीं हुआ, ना एक्सक्लेमेटरी नहीं हुआ, ना आदेश दिया जा रहा तो इंपरेटिव नहीं हुआ, ना विश किया जा रहा तो वो भी नहीं हुआ, तो सादा वाक्य हुआ कि नहीं हुआ, स्टार्टिंग कर्ता से हो रही है, ठीक है, सब्जेक्ट से, और लास्ट में फुल स्टॉप है, ही इज अ ग्रेट हीरो, वो एक महान हीरो है, सिंपल वाक्य लिखा गया, मतलब ये क्या असर्टिव वाक्य, असर्टिव वाक्य आई पहचान आपको आ रहा होगा। हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इज दिस, लास्ट में छपा एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ, हाउ क्यों यूज किया गया, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया। डू यू ऑल्सो डांस, देखिए आप इंट्रोगेटिव हुआ क्वेश्चन मार्क पूछा गया इंट्रोगेटिव, और यहाँ पर डू यूज किया गया प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, डू यू ऑल्सो डांस, क्या तुम भी डांस करते हो, तो आई होप मैंने फटाफट बता लिया, अब आपको इजीली हिंट हो गया होगा थोड़ा बेसिक समझने के बाद कि इंट्रोगेटिव पहचानने के लिए क्या हिंट होता है, ठीक है, इंपरेटिव पहचानने के लिए क्या हिंट होता है, एक्सक्लेमेटरी के लिए क्या होगा, और सादा सिंपल वाक्य कैसे पहचाना जाएगा, और अपडेट यहाँ पर दिया नहीं गया था, मोस्ट ऑफ एग्जाम में नहीं दिया गया होता, बट आपको वाक्य पहचानना आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ, अगर कोई डाउट लगे तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।